हेलो एंड वेलकम पेरेंट, वेलकम करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल ईगल शॉक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वाईफाई हैकिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वाईफाई हैकिंग किस तरह होती है, किस तरह करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इन सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये तो विंडोज़ में होता है, लिनक्स में नहीं होता, क्योंकि और ये हैकिंग इसे आप कह भी सकते हैं और कह नहीं भी सकते। हैकिंग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इससे आप कम से कम वाईफाई का पासवर्ड तो मालूम कर सकते हैं, मगर हैकिंग क्यों नहीं कह सकते। हैकिंग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें आप सिर्फ उस वाईफाई का पासवर्ड मालूम करते हैं जो आपके आसपास है या आपसे पिछले आपके सिस्टम से कनेक्टेड थी पिछले कभी, और या अब आपके सिस्टम से कनेक्टेड है तो उस वाईफाई का पासवर्ड आप मालूम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस काम को कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको कमांड ओपन करना होगा, सी एम डी। अगर आप लिख कर इंटर मारें तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। अच्छा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पर अगर आप टाइप करें नेट एच एस एच वेलन शो प्रोफाइल और एंटर मारे तो लगता है मैंने कोई गड़बड़ कर दी। हाँ निच वेलन शो प्रोफाइल, आप ठीक है, और एंटर मारे तो यहाँ पर आप लोगों को तमाम वाईफाई आप लोगों को आ जाएंगे। तमाम वाईफाई ऑल यूज़र जो आपके कंप्यूटर से पिछले कनेक्टेड थे या अब कनेक्टेड है या आपके आसपास के जो वाईफाई हैं वो आपको आ जाएंगे। मेरे आसपास के ही वाईफाई है, तो चलिए इनमें से किसी एक का पासवर्ड हैक कर देते हैं और जानते हैं कि किस तरह हम हैक करेंगे। अच्छा तो देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नेट एस एच वेलन और यहाँ पर लिखूँ शो प्रोफाइल, वही पुराना वाला। अब यहाँ पर एक ट्रिक आती है, यहाँ मैं क्या लिखूँगा नेम और इस इक्वल टू फिर डबल कोट्स डालूँगा, और जो भी वाईफाई मुझे हैक करना है उसको मैं मतलब जो भी वाईफाई का पासवर्ड मुझे मालूम करना है उसको मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो मेरे ख्याल में ये तो मेरा वाईफाई है, ये इसे तो हैक नहीं करते, ये लगता है हमारे पड़ोसियों का किसी का वाईफाई है, चलो इसे हैक करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसे कंट्रोल सी करके कॉपी करूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट करूँ और ये कोट को बंद कर दूँ डबल कोट्स को, और यहाँ पर मैं लिखूँ की पासवर्ड को कहते हैं की इज इक्वल टू क्लियर लिखूँ CLEAR क्लियर और एंटर मारूँ तो देखो क्या हुआ। यहाँ पर इसने मुझे पासवर्ड की, मैंने कहा था ना की पासवर्ड को कहते हैं, इसने मुझे पासवर्ड दे दिया मरदान खान 567, ये इसका पासवर्ड है। अब चलिए मेरे वाईफाई का पासवर्ड मालूम करते हैं कि मेरे वाईफाई का पासवर्ड क्या है। तो इसे आप अपने वाईफाई का भी पासवर्ड मालूम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ निच वेलन शो प्रोफाइल और यहाँ पर लिखू नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स और यहाँ पर मैं अपने वाईफाई का नाम कॉपी करता हूँ, ये मेरे ZomPoggy का डिवाइस में यूज़ करता हूँ इसी वक्त, तो इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट करूँ और यहाँ पर डबल कोट्स को बंद करूँ और यहाँ पर मारूँ मैं नेम की इज इक्वल टू क्लियर CLEAR और एंटर मारूँ तो देखते हैं कि मेरे वाईफाई का पासवर्ड क्या है। हाँ ये है मेरे वाईफाई का पासवर्ड, ये आ गया हजरत जमाल, ये मेरे वाईफाई का पासवर्ड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आप लोगों को हर तरह की इन्फॉर्मेशन पूरी दी जाती है, वर्जन 1 है इसका,
टाइप वेलन है, वायरलेस नेम इसका ये है, ये टेक ऑटोमेटिकली है, ये इनका सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों को आ जाता है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।